हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर आज 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द क्रॉस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड रूट 3 इक्वल टू 1.73। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा, अच्छा से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपका सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, हम लोग का एक कोड है। ठीक है, क्या है कोड, ये हम लोग का कोड है। ठीक है, ये हम लोग का सेंटर है, इधर पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसका ए, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं और सेंटर ओ कर देते हैं। ठीक है सुन, क्या कह रहे हैं जो हम लोग का ये कोड है, ठीक है, ये हम लोग का जो कोड है वो क्या कर रहा है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड कर रहा है। ठीक है, बना रहा है, और इसका रेडियस कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं ये पार्ट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को क्या क्या दिया, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, हम लोग को रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, एंड एंगल कितना दिए, एंगल ऑफ सर्कल थीटा कितना हम लोग का, 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, ये वाला। ठीक है, माइनर सेगमेंट फाइंड करने बोल रहे, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बताइए स्टूडेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये पूरे सेक्टर के एरिया में, ठीक है, पूरे सेक्टर के एरिया में हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगी, ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। हम लोग ने ऐसा हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग ने किया था, चलिए फिर से देखते हैं। जो कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इस सेक्टर के एरिया में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा सेक्टर का एरिया में माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जानते क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फिर से, यहाँ पे देखिए, देखिए दो साइड के हम लोग का इक्वल है और एक एंगल कितना का, हम लोग का 60 डिग्री का है, तो हम लोग का ये कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ देखा था और इस क्वेश्चन में भी वैसे ही, दो साइड क्या बराबर और एक एंगल क्या है 60 डिग्री का, तो हम लोग का ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट 3/4 और इनटू साइड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना, थीटा कितना दिया है 60 अपॉन में क्या हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई का यूज कितने करने बोल रहे हैं हम लोग को, 3.14 इंटू आर कितना है 15 है। ठीक है, स्क्वायर इसलिए दो बार लिख देंगे 15 इंटू 15। ठीक है, माइनस रूट थ्री का भी वैल्यू हम लोग को दिया कितना है, कितना पुट करने बोला 1.73। ठीक है, बाय 4 इंटू साइड कितना है, साइड हो जाएगा हम लोग का 15 है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 15 इंटू 15। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 15 इंटू 15 और यहाँ पे भी 15 इंटू 15 है, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा हम लोग का, अंदर बचेगा हम लोग का 3.14 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, माइनस 1.73/4 यही हम लोग का बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 200
25, ठीक है। आप देखिए ये पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे जीरो डाल देते स्टूडेंट, क्या करते हैं हम लोग नीचे जीरो डाल देते हैं। दो नंबर के बाद पॉइंट है तो दो जीरो लग जाएगा स्टूडेंट, माइनस यहाँ पे भी दो नंबर के बाद जीरो है, सॉरी दो नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना जीरो लग जाएगा, दो जीरो, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा 0.5233 माइनस, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.4325, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग का 225, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, ठीक है माइनस कर देंगे तो हम लोग का आएगा स्टूडेंट 0.0908, ठीक है इतना आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा स्टूडेंट 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आ गया, माइनर सेगमेंट आ गया स्टूडेंट, ठीक है क्या आ गया, माइनर सेगमेंट डी वाला पार्ट का एरिया आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालने बोल रहा है, चलिए मेजर सेगमेंट निकाल, हम लोग का मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं हम लोग का क्या होगा स्टूडेंट। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ये हम लोग का था क्या था, सर्कल था, ठीक है ये था माइनर सेगमेंट, ये होता है हम लोग का, ठीक है क्या होता है सेंटर, ये माइनर सेगमेंट डी वाला होता है, हम लोग इसको क्या कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ऊपर वाला हम लोग का क्या होता है मेजर सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए पूरा सर्कल का एरिया में से, सर्कल का एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, किसका ये सेगमेंट का, ये माइनर सेगमेंट का एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हम लोग का किसका एरिया आ जाएगा मेजर सेगमेंट का, क्या करेंगे सर्कल के एरिया में माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है तो हम लोग का क्या आ जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो चलिए अब लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं होगा नीचे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ मेजर क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी हम लोग ने इसको निकाला था कितना निकाला था हम लोग ने अभी 20, देखिए यही निकाला था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है 20.43, तो हम लोग यहाँ पे सीधे पुट कर देंगे, ठीक है इसमें 20.43, ठीक है कहाँ से आया इसका वैल्यू हम लोग ने अभी मतलब हमने फाइंड किया, ठीक है उसी को हम लोग ने लिख दिया, चलिए ठीक है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग ने निकाला था उसी को लिख दिया। अब चलिए पाई का वैल्यू कितना पुट करना है 3.14, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया और ठीक है, और आर कितना था हम लोग का 15, ठीक है दो बार लिख देंगे हम लोग स्क्वायर इसलिए दो बार लिख दिए, ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 20.43, ठीक है 3.14, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 225, ठीक है और ये माइनस 20.43, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हम लोग का आ जाएगा 706.5 माइनस 20.43। अब इन दोनों को हम लोग जब माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हम लोग का कितना आ जाएगा 686.07, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर हम लोग का इतना आ जाएगा। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।